नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीवन 24। कल चेन्नई में मुकाबला था लखनऊ और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। चेपॉक का मैदान हो, धोनी की गूंज हो और ऐसे में कोई टीम आए मुकाबला जीत जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और कल इतनी ही बड़ी बात लखनऊ सुपर जॉइंट्स की टीम ने कर दिखाया। 211 का टारगेट था लखनऊ सुपर जॉइंट्स के सामने और लखनऊ ने इस टारगेट को आसान बना दिया, बेहद आसान बना दिया और उस धोनी की गूंज से सन्नाटे में बदल दिया। कमाल का प्रदर्शन दिखाया लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाड़ियों ने। कल टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था कप्तान केएल राहुल ने। चेन्नई सुपर किंग्स आई थी बल्लेबाजी करने, शुरुआत अच्छी नहीं रही, रहाने जल्दी आउट हुए, लेकिन उनका साथ देने आए ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल की पारी खेली, शतकीय पारी खेली और जड़ दिया इस साल का अपना पहला शतक। वही उनके अलावा शिवम दुबे ने भी अर्धशतकीय पारी खेली, तेज तर्रार पारी खेली, 27 गेंदों में 66 रन बनाए जिसमें 7 छक्के शामिल थे। इस तरीके से पहुंच गई चेन्नई 210 रन। वैसे आपको बता दें, एक गेंद महेंद्र सिंह धोनी ने भी खेली थी, उस पर चौका मारा था। तो कुल मिला के चेन्नई पहुंच गई 210 रन। चेन्नई का विकेट, चेपॉक का मैदान, चेन्नई के बहुत सारे समर्थक, उसमें बीच बीच में कहीं एक आधे लखनऊ के दिख रहे थे। तो इन सबके बाद ऐसा लग रहा था कि चेन्नई इस मुकाबले को जीत जाएगी, क्योंकि चेन्नई जब इतना बड़ा स्कोर बनाती है तो वो हारती नहीं है। ये इस बार की बात नहीं है, पिछले बाकी 16 सीजन की भी यही बात है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि लखनऊ का पहला विकेट क्विंटन डिकॉक के रूप में बहुत जल्दी गिरा, पहले ही ओवर में गिरा, 0 के स्कोर पर क्विंटन डिकॉक आउट हुए। उसके बाद केएल राहुल भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद लेकिन फिर एक तरफ मार्कस स्टोइनिस और दूसरी तरफ निकलस पोरन। निकलस पूरन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, मात्र वो 34 रन बनाए लेकिन तेज गति से बनाए, लेकिन दूसरे छोर पर तो कमाल कर रहे थे मार्कस स्टोइनिस। एक बार फिर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वो आंखों से जीत का काजल चुराने का काम किया है। कमाल की बैटिंग की मार्कस स्टोइनिस ने, 124 रन बनाए 63 गेंदों में और उनके इस शतकीय पारी की वजह से एक ऐसी जीत दर्ज कर ली लखनऊ ने जहां उन्हें लग रहा था कि मुकाबला हार जाएगा। वहीं आज भी एक कमाल का मुकाबला देखने को मिलेगा हमें, जहां पर दिल्ली में दिल्ली के सामने होगी गुजरात टाइटंस। एक टीम ने 4 मुकाबले जीते हैं यानी गुजरात ने, और सिर्फ 3 मुकाबले अभी तक जीते हैं दिल्ली ने। दिल्ली की राह बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर इस मुकाबले को भी हारेंगे, वहीं मुश्किल तो गुजरात के लिए भी होगी अगर वो मुकाबला हारते हैं। यानी अब टूर्नामेंट उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां पर ज्यादातर टीमों के लिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता है जीत। जो भी टीम अब यहां से मुकाबला हारेगी उसके लिए धीरे धीरे वो टॉप 4 में पहुंचने का रास्ता कठिन होता जाएगा। खासकर ये रास्ता दिल्ली के लिए एकदम ही कठिन हो जाएगा अगर यहां भी वो मुकाबला हारती, क्योंकि उनका रन रेट भी उतना ज्यादा अच्छा नहीं। रन रेट तो खैर गुजरात का भी बहुत खराब है, -1 है। तो ऐसे में गुजरात अगर हारेगी तो शायद गुजरात भी लगभग वो टॉप 4 की उम्मीद से बाहर हो जाएगी। अगर दोनों टीमों की बात करें तो जो दिल्ली की ताकत है वो उनके स्पिनर्स हैं, खासकर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। ये दोनों अच्छी गेंदबाजी करते हैं लेकिन उनकी कमजोरी उनके तेज गेंदबाज है। बल्लेबाजी में दिल्ली कमाल का प्रदर्शन कर रही है। अगर निश्चित रूप से गेंदबाजी थोड़ी भी अच्छी रही, 180, 85, 190 तक का टारगेट भी मिला तो दिल्ली चेस कर सकती है। लेकिन वहीं इस बार अगर गुजरात की बात करें तो हार्दिक के जाने के बाद टीम थोड़ी सी कमजोर नजर आई है, खासकर कप्तानी में। कप्तानी ज्यादातर आपको आशीष नेहरा बाहर से करते हुए दिखते हैं, तो ऐसे में शुभमन गिल क्या कुछ नया कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। गुजरात की टीम ज्यादातर शुभमन गिल की बैटिंग पर डिपेंडेंट है, राहुल तेवतिया के फिनिश पर डिपेंडेंट है और अफगानिस्तान की गेंदबाजों पर डिपेंड है, क्योंकि 3 अफगानिस्तान के गेंदबाज खेलेंगे। तो ऐसा मान सकते हैं दिल्ली वर्सेस अफगानिस्तान के गेंदबाजों का मुकाबला होगा। अभी के लिए बस इतना ही, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवन 24।